देखिए मामला ये हुआ कि किसी कारणवश ये गाड़ी लेके जा रहे थे तो इनको ये भाजपा सरकार के जो प्रशासन है ढीली प्रशासन, तो ये गरीबों को ये सताने का जो काम कर रही है भाजपा सरकार, इनके प्रशासन की ढिलाई ये है कि कहीं ना कहीं गरीबों को फंसा दे रही हैं। कोई भी इन लोग पूंजीपति नहीं दिखाई दे रहा है, फंसाने के लिए सिर्फ गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इनको जब ये गाड़ी से जा रहे थे तो इनको किसी कारणवश फंसाया गया और फंसा के इनको देवरिया जेल में रखा गया और वहाँ पे इनको बीमार का झांसा देकर कि ये बीमार हैं, तो इनको वहाँ भर्ती करा के वो लोग सूचना भी नहीं दिए कि भर्ती कराए कि नहीं कराए, कि जेल में ही इनकी जान चली गई। अब इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चोरी और ढिलाई कम करना होगा। और देखिए ये गरीबों का जो ये मतलब ये लोग सता रहे हैं जेल में, गरीबों को नहीं सताएंगे, गरीबों को तो ये सेवा देंगे, अमीरों को तो ये सेवा देंगे, लेकिन गरीबों को क्या करेंगे, उसी में मार डालेंगे और सूचना भी नहीं देंगे। ये पहले गाड़ी चलाते थे, अब गाड़ी में क्या था क्या नहीं था, इनको मतलब अनर्गल इनको फंसा दिया गया लॉकडाउन से, तभी से देवरिया जेल में ये थे। और ये प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनकी मौत 15 तारीख को हो गई, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि इनकी मौत अपने आप हुई है, लापरवाही से जो प्रशासन के लोग हैं इनकी लापरवाही से हुआ है, जो कि ये सरासर गलत है, अपराध है। जो अगर इनकी तबीयत ख़राब हुई होती तो इन परिजनों को बताया गया होता कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनके घर वालों को भी सूचना नहीं दिया गया। तो क्या वहाँ जेल से कोई सूचना इनको परिवार को नहीं मिली थी क्या? नहीं मिला था। प्रशासन की किस तरह की लापरवाही आप देख रहे हैं? प्रशासन की लापरवाही ये है कि सरासर लापरवाही इनकी है, जो घर वालों को सूचना नहीं दिया गया। जब तबीयत ख़राब हुआ तो सूचना देना चाहिए इनको, जबकि इनके मृत होने के बाद इनको सूचना प्राप्त हुआ है पेपर के माध्यम से 15 तारीख को, तो जो कि पहुँचे हैं ये लोग, जबकि ये लोग 16 तारीख को परिजन ने वहाँ देवरिया जेल में गए और वहाँ से पोस्टमार्टम करके इनको सौंपा गया।